निर्भया के दोषियों को फांसी होगी। जी हाँ, डेथ वारंट जारी हुआ है। निर्भया रेप कांड के चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होगी। दिल्ली में 2012 में हुए गैंग रेप कांड को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 साल बाद यह बड़ा फैसला सुनाया है। पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की। फैसले के दौरान निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां कोर्ट में ही रो पड़े। दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। जगह होगी तिहाड़। बढ़ती ही जा रही, अभी भी बढ़ी रही है, लेकिन एक जरूर है कि इस तरह के हैवानगी करने वाले लोगों के मन में एक डर जरूर पैदा होगा, क्योंकि तो चार चार जब एक साथ लटकाए जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि नहीं हम क्या करें क्या ना करें। बेटी को इंसाफ मिलेगा, देश के बेटियों को इंसाफ मिलेगा, आगे भी मैं लड़ती रहूंगी जजमेंट से आगे, और देश में ऐसी तरीके की घटनाएं घटेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको। 2 साल पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि इन जल्लादों को फांसी की सजा दे दो, लेकिन फिर भी फांसी की सजा नहीं हो रही थी। अब जाकर इस देश में निर्भया के कातिलों को फाइनली फांसी की सजा दी जाएगी। आंदोलन की भी बहुत बड़ी जीत मानती हूँ, हर देश के निवासी की मैं कहीं ना कहीं इसको एक जीत मानती हूँ, क्योंकि जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था पूरा देश सड़कों पर आया था। मैं उस माँ के जज्बे को सलाम करती हूँ जिसने 7 साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी और हर दिन हर मिनट लड़ती रही अपनी बेटी के न्याय के लिए। जज का भी मैं धन्यवाद करती हूं कि अब इतने साल बाद ही सही फाइनली उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है।